हार्ट बीट मिसिंग जब तू लुक में आई, लव तेरा बेबी मुझे टेक मी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कुछ इसी तरह से लिरिक्स वीडियो बना लेना। तो गाइस, इस तरह के लिरिक्स वीडियो बनाना काफ़ी आसान है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आप भी अच्छे समझेंगे कि आपको इस तरह के वीडियोस को कैसे बना लेना है। तो गाइस, 2 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो अगर आप इसे पूरा देखते हैं तो आप ये अच्छे समझ जाएंगे कि आपको इस तरह के वीडियोज़ को कैसे बना लेना है। और इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इस तरह के स्टेटस वीडियो डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस तरह की स्टेटस वीडियो कैसे बना लेना है। तो गाइस, इसके लिए आपको काइन मास्टर की मोड ऐप की जरूरत पड़ेगी और आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाले, तो आप वहां जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए। और इसके बाद आपको काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। जैसे आप इसे ओपन करते हैं, आपके सामने इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप से आ जाता है। तो आपको यहां पर एक प्लस का आइकन मिल जाता है, तो आपको इस प्लस वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। और उसके बाद गाइस, आपको यहां पर कुछ रेशियोस इस तरह से मिल जाते हैं, तो आपको यहां से अपने इमेज के हिसाब से कोई भी एक रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए, मैं भी यहां से एक रेशियो को सिलेक्ट कर लेता हूं। और उसके बाद गाइस, ये आपके सामने कुछ इस टाइप से ओपन हो जाता है। तो आपको यहाँ पर एक मीडिया का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस मीडिया वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। और उसके बाद गाइस, आपको यहाँ से अपनी कोई भी एक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, जिसे आप अपने व्हाट्सअप स्टेटस में लगाना चाहते हैं। तो चलिए, मैं भी यहाँ से एक इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और गाइस, आपको यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना होगा कि अगर आप अपनी कोई भी इमेज को सिलेक्ट करते हैं, तो वो इमेज थोड़ी ऐसे ही होना चाहिए, उसके साइड साइड में थोड़ा ब्लैक ब्लैक कुछ इस टाइप से होना चाहिए, या तो आप एकदम ही डार्क इमेज का यूज़ कर लीजिए, जिससे कि जो लिरिक्स है वो एकदम अच्छे से उभर कर आए। तो गाइस, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और गाइस, अगर आप चाहें तो आप इस इमेज का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाले। तो चाहें तो आप इस इमेज का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद गाइस, आपको अपनी इस इमेज की लेंथ को बढ़ा लेना है। आपको इस इमेज की लेंथ को बिल्कुल 30 सेकंड तक करना है। आप इसे 30 सेकंड तक कर दीजिए या उससे थोड़ा कम कर दीजिए। और उसके बाद आपको इस इमेज की शुरुआत में फिर से आ जाना होगा। और उसके बाद गाइस, आपको यहाँ पर एक क्रॉपिंग का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। और आपको यहाँ से अपनी इमेज का जितना भी हिस्सा अपने व्हाट्सअप स्टेटस में लगाना है, उस हिसाब से आप अपने इस इमेज को क्रॉप कर लीजिए। पर मुझे तो यहाँ पर से कुछ भी क्रॉप नहीं करना है, तो मैं सीधे इसके इक्वल वाले ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। और आपको भी इस इक्वल वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना होगा। और उसके बाद गाइस, आपको यहाँ पर एक लेयर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। और इसके बाद ऊपर आपको एक मीडिया का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस मीडिया वाले ऑप्शन में भी क्लिक कर देना है। अब गाइस, आपको यहाँ से एक बैकग्राउंड वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। और इस बैकग्राउंड वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाले, तो आप वहाँ जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए। और गाइस, अगर आपको इसे डाउनलोड करने में थोड़ी भी दिक्कत आती है, तो इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है, जिसे देखकर आप ये अच्छे समझ जाएंगे कि आपको इस तरह के फाइल्स को कैसे डाउनलोड कर लेना है। तो अगर आपको दिक्कत आए तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब इसके बाद गाइस, आप अपने हिसाब से इस वीडियो को यहाँ पर अच्छे से सेट कर दीजिए। आप लिरिक्स को जहाँ भी लगाना चाहते हैं, उस जगह पर आपको इस वीडियो को लगा देना है। और उसके बाद आपको इस वीडियो में कुछ एडिटिंग करने की जरूरत होगी, तो इसके लिए आपको साइड में कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आपको इन ऑप्शंस को नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। अब इसके बाद गाइस, नीचे आपको एक स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। अब इसके बाद गाइस, आपको यहाँ से बैक आ जाना होगा। अब इसके बाद ऊपर आपको एक कलर एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस कलर एडजस्टमेंट के ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। और आपको अपने इमेज के हिसाब से इसके कलर को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो गाइस, इस तरह से आपकी वीडियो तैयार हो जाती है। अब चलिए, मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ हमारी वीडियो कैसे बनी है।